पूर्णिया राज के मेडिकल कॉलेज में पारा मेडिकल कोर्स शुरू हुए महीना बीत चुका है, लेकिन छात्रों का अब तक सिलेबस शुरू नहीं हुआ, जिसे लेकर छात्रों ने प्रिंसिपल कार्यालय का घेराव करते हुए मांग पत्र सौंपा है। छात्रों ने कहा कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में पारा मेडिकल का वो कोर्स कर रहे हैं, लगभग एक माह से उन लोगों का वर्ग नियमित रूप से संचालन हो रहा है, लेकिन अब तक कोर्स का सिलेबस शुरू नहीं हुआ। सिलेबस की जानकारी नहीं होने के कारण शिक्षक भी असमंजस की स्थिति में है, क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, और छात्रों को भी पढ़ाई में समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर हम सभी छात्र जब सचिवालय गए तो वहां से हम सभी को लौटा दिया गया और कहा कि ये काम आप सभी का नहीं है, ये सभी काम प्रिंसिपल का है, उनसे ही मिलिए। इधर प्रिंसिपल का कहना है कि सचिवालय के आदेश पर सिलेबस को शुरू कर दिया जाएगा। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज़, की बात आपके साथ। जैसे बताएं मित्र लोग की सिलेबस नहीं, हम लोग को कोई भी टीचर आते कुछ भी टॉपिक उठा के पढ़ा देते हैं। बच्चों को टॉपिक पता होगा जब ही तो पढ़ के आएंगे, ऐसे सब मुंह बना के क्लास में बैठे रहते हैं। कोई दिनों से ही हो रहा है, हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुके हैं एंड फिर सिलेबस नहीं है तो कोई कुछ पढ़ ही नहीं पाता है। जो टीचर आते हैं उनका जो मन में आता है पढ़ा के चल देते हैं। अभी आप लोग कंप्लेन नहीं किए? हाँ कंप्लेन किए, कंप्लेन करने के लिए ही यहाँ पे आए सब। आश्वासन बस आप लोग आगे बात कीजिए, यहाँ से कुछ नहीं होगा, हम लोग के पास कुछ सुविधा ही नहीं है। आगे आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? आगे कैसे पढ़ाई करेंगे कुछ पता ही नहीं है, बस यहाँ बच्चों को बुला लिया और बच्चों के लिए कुछ सुविधा ही नहीं है। तब यही है कि हम लोग का 15-20 दिन क्लास स्टार्ट हो चुका और अभी तक सिलेबस का कुछ पता नहीं है। हम लोग का 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा सभी का, तो हम लोग उस एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे उसका कोई कुछ पता, सिलेबस कुछ है ही नहीं। अधिकारियों से बात की तो क्या कुछ सुझाव मिला? वो बोलते हैं कि हम लिख दिए हैं, पलरा जा रहे हैं, हम लिख दिए वहाँ भेज चुके हैं, वहाँ से कुछ आ ही नहीं रहा, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब आप लोग क्या कीजिए? जब हम लोग सचिवालय जाते हैं तो सचिवालय से हम लोग अब आगे जाएंगे, पटना जाएंगे सचिवालय बात करें। दिक्कत हो रही है सिलेबस नहीं आने के कारण, बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सही से। फ्यूचर में हम लोग को डिग्री भी मिल जाती है तो क्या प्रिंस कुमार आएंगे? जब हम लोग सचिवालय गए तो सचिवालय में बोला गया कि तुम लोग का काम नहीं है, प्रिंसिपल की काम है। जब प्रिंसिपल को हम लोग अप्लीकेशन लिख के देते तो प्रिंसिपल बोलता है ये हम लोग का काम नहीं है, सचिवालय जाओ। बार बार हम लोग सचिवालय से यहाँ और यहाँ कॉल, दिक्कत हो रही है, सिलेबस नहीं है, सिलेबस की वजह से हम लोग का स्टडी नहीं हो पा रहा है। एडमिशन कितना दिन हो गया? एडमिशन का 1 महीना प्लस हो गया, 2 महीना हो गया, सिलेबस अभी तक नहीं, अभी तक सिलेबस का कोई पता नहीं है और क्लास में पढ़ाई कुछ नहीं होता, बिना सिलेबस का क्या पढ़ाई होगा? अभी मिले तो क्या आश्वासन मिला? अभी तो मिलने गए तो बोले क्या कि हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, ये तो काफ़ी दिनों से सुनने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रियांशु रंजन। कहाँ पे एडमिशन है? PMI सदर हॉस्पिटल पूर्णिया।